हाय गाईस माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टरिंग एलगोरेदम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डी बी स्कैन आई होप आपने इसका नाम सुना ही होगा तो इस वीडियो में मेरा प्लान ये है कि मैं आपको पहले जोमेट्रिक इंट्यूशन दूंगा इस एल्गोरेदम का उसके बाद मैं आपको छोटा सा पाइथन कोड समझाऊँगा और लास्ट में मैं आपके साथ एक विजुलाइजेशन टूल भी शेयर करूँगा जिससे आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत सॉलिड बिल्ड होगा

था तो बहुत ही अच्छा बट उसमें कुछ फ्लॉज थे और वो कुछ ऐसे फ्लॉज थे कि उनको सॉल्व करने की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको दो तीन फ्लॉज बताता हूँ केमीन्स के ताकि आपको समझ में आए कि क्यों एक नए क्लस्टरिंग एलगोरिदम की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ्लॉ केमीन्स में जो आता है वो ये है कि यू हैव टू स्पेसिफाई और यू हैव टू टेल द एल्गोरिदम कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको क्लस्टरिंग स्टार्ट करने के पहले ये बताना पड़ता है कि क्लस्टर्स कितने बनने चाहिए अब इमेजिन करो आपके पास जो डेटा है वो बहुत हाई डायमेंशन में है लेट्स से टेन डायमेंशन का डेटा है तो आप इसको प्लॉट तो नहीं कर सकते तो फिर बेसिकली आपको समझ ही नहीं आने वाला कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए तो फिर हमने ये सारी टेक्निक्स पढ़ी थी जहाँ पे हमने एल्बो मेथड प्लॉट करके पता करने की कोशिश की थी कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होने चाहिए बट उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी जो एल्बो कर्व होता है वो बहुत एम्बिगुअस होता है समझ नहीं आता कि क्या सही वैल्यू होगी तो इन सारे रीजंस की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है केमींस के साथ काम करना तो, तो दिस इज रीजन नंबर वन रीजन नंबर टू इज कि केमीन्स इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स बिकॉज आप पूरे टाइम डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हो हर सेंट्रॉइड का हर डेटा पॉइंट के साथ अब अगर कोई डेटा पॉइंट आउटलायर निकल गया जैसे कि ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट तो ये क्या करेगा ये आपके सारे सेंट्रॉइड्स को अपने पोजिशन से हिला देगा राइट यू कैन सी यहाँ पे सारे सेंट्रॉइड्स अपने अपने क्लस्टर के सेंटर पे होने चाहिए थे बट बिकॉज ऑफ दिस डेटा पॉइंट सब शिफ्ट कर गए अगेन अगेन नॉट अ गुड सिनारियो राइट रीज़न नंबर थ्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न की बिकॉज केमीन्स इज़ अ सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम मतलब उसका सारा का सारा मैकेनिक्स सेंट्रॉइड कैलकुलेशन के अराउंड है तो अगर आप केमीन्स को थोड़ा वियर्ड शेप का डेटा दे दोगे तो केमीन्स उसमें रोने लग जाता है एंड यू कैन सी दिस इज वन एग्जाम्पल जहाँ पे हमने इसको कुछ ऐसा डेटा सेट दिया जो नॉन स्फेरिकल था और K-means ने उसको बिल्कुल ही गलत तरीके से क्लस्टर किया है यू कैन सी दैट और ये और भी बहुत तरह के डेटा सेट्स पे ट्रू है जहां पर उसको स्फेरिकल टाइप का डेटा नहीं मिलता है तो बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन मशीन लर्निंग कम्युनिटी को ये समझ में आ गया कि सिर्फ K-means से तो काम नहीं चलेगा देर आर सर्टिन सिनेरियोस, सर्टिन डेटा सेट्स पे पर केमीन अच्छा परफॉर्म करेगा बट एट द सेम टाइम बहुत और ऐसे सिनारियोज होंगे जहाँ पे के मीन्स फेल कर जाता है एंड दिस इज वेयर अ न्यू रिक्वायरमेंट वॉज क्रिएटेड और उसी को सॉल्व करने के लिए कौन आता है डीबी स्कैन एक चीज और आपको पता होनी चाहिए डीबी स्कैन पढ़ने के पहले और वो ये है कि डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं सो so, अगर आपको पता होगा के मीन्स को आप एक सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग एलगोरिदम बुला सकते हो बिकॉज यहाँ पे क्लस्टरिंग करने के पीछे जो पूरा लॉजिक है वो सेंट्रॉइड्स के थ्रू आता है आप सेंट्रॉइड क्रिएट करते हो डिटेंसेज कैलकुलेट करते हो पॉइंट्स को मूव करते हो नए क्लस्टर्स बनाते हो दैट इज हाउ के वर्क तो इसको हम सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग बोलते हैं बट डीबी स्कैन जो है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लस्टरिंग को फॉलो करता है और उस स्टाइल का नाम है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि आप अपने पूरे डेटा को क्लस्टर करते हो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी बिटवीन द डेटा पॉइंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाई दे रहा है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस डेटा में रफली दो क्लस्टर्स बन रहे हैं बट डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स कैसे समझ पाते हैं उनको ये दिखाई देता है कि ये एक डेंस रीजन है मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं ये थोड़ा सा स्पार्स रीजन है मतलब यहाँ पे कम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं और ये फिर से एक डेंस रीजन है तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्पार्स रीजन डीबी स्कैन क्या कर सकता है वो दो डेंस रीजन को सेपरेट आउट कर सकता है अलग क्लस्टर्स बना सकता है तो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग कि आप क्या कर रहे हो डेटा पॉइंट्स के डेंसिटी के बेसिस पे क्लस्टरिंग कर रहे हो तो वन गुड एग्जांपल इज ऑब्वियसली जैसा मैंने अभी तक आपको बताया डीबी स्कैन इनफैक्ट अगर आप डीबी स्कैन का पूरा नाम जानना चाहो तो पूरा नाम ही है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विथ नॉइस दिस इज द फुल नेम और ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली exactly ये नाम क्यों है ठीक है एक और अच्छा एलगोरिदम है ऑप्टिक्स जो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग करता है तो ये इंट्रोडक्शन देना आपको जरूरी था बिकॉज़ अगर आपको यही नहीं पता कि डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग होती कैसे तो डीबी स्कैन आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मान लो हमारे पास ये डेटा सेट है और थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि हमारा एप्सिलॉन का वैल्यू है 1 यूनिट 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है 1 one... मिलीमीटर भी हो सकता है वन किलोमीटर भी हो सकता है डज नॉट मैटर और हमने मिन पॉइंट्स मान लिया है थ्री ठीक है अगर थ्री या थ्री से ज्यादा होगा तो ही हम उसे डेंस बुलाएंगे अदरवाइज हम उसे स्पार्स बुलाएंगे तो हमें क्या करना है हमें मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पता करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंस है या स्पार्स है तो हमें सबसे पहले ये जो वन यूनिट का सर्कल बनाना पड़ेगा तो आई एल क्विकली ड्रॉ अ सर्कल सो लेट्स से दिस इज द सर्कल ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट मेजरमेंट करके मैं नहीं बना रहा हूं बट लेट्स से दिस इज द सर्कल ठीक है अब इस सर्कल में हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं सो हमारे पास हैं एक दो तीन और चार टोटल मिला के चार पॉइंट्स हैं विच इज ग्रेटर देन थ्री तो मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो डेंसिटी है उसको मैं डेंस बुलाऊंगा ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट के लिए भी हमें एक सर्कल बनाना है तो हमने मान लो ये सर्कल बनाया इसका भी रेडियस कितना है एप्साइलन विच इज वन यूनिट ठीक है अब यहां पर भी हम काउंट करेंगे कि इस नेबरहुड में इस सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं सो यहां पर एक पॉइंट है और दो पॉइंट है सिंस ये तीन से कम है तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो डेंसिटी है वो स्पार्स है और इस तरीके से मैं किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द डेंसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं तो बेसिकली ये जो मेन पॉइंट्स है और ये जो एप्साइलन है ये हमें किसी भी पॉइंट के आसपास डेंसिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं एंड फैक्ट यही आपके दो हाइपर पैरामीटर्स हैं जो आपको ट्यून करने पड़ेंगे इस एलगोरिदम को यूज करने के प्रोसेस में तो आई टोल्ड यू इन दोनों को सीखना सुपर इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट हम तीन तरह के के पॉइंट्स बारे में पढ़ेंगे जो आपको और तीसरा है, me, ये तीनों के में बहुत है तो आपको पता होना चाहिए कि कि किस चीज कोर बोलते हैं किसको बॉर्डर बोलते हैं किसको नॉइज बोलते हैं द गुड पार्ट इज द कॉन्सेप्ट इज प्रेटी सिंपल स्पेशली अगर आपको मेन पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट पता हो चुका है और आपको एप्साइलन का कॉन्सेप्ट पता हो चुका है ठीक है तो ये जो डायग्राम है इसके हेल्प से हम सीखेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो सबसे पहले बात करते हैं कोर पॉइंट की तो कोर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके एपसाइलन नेबरहुड में मेन पॉइंट से ज्यादा डेटा पॉइंट होते हैं मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कोर पॉइंट एक ऐसा डेटा पॉइंट होता है जिसके एपसाइल नेबरहुड में एप्साइल नेबरहुड का मतलब ये सर्कल जिसका रेडियस है एप्साइल एपसाइलन की वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे एज हाइपर पैरामीटर तो कोर पॉइंट एक ऐसा डेटा पॉइंट है जिसके एपसाइलन नेबरहुड में नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मेन पॉइंट्स ठीक है तो इस डायग्राम में देखते हैं मान लो हमने मेन पॉइंट्स का वैल्यू ले रखा है फाइव और एप्साइलन का वैल्यू कुछ भी है एप्साइलन तो इस पॉइंट पे फोकस करना अगर आप इस पॉइंट को पकड़ करके एप्साइलन रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो तो आपको ये रेड कलर का सर्कल मिलेगा अब आपको क्या करना है कि इस रेड कलर के सर्कल में कितने डेटा पॉइंट्स हैं ये काउंट करने हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक दो तीन चार पांच तो सिंस ये मिन पॉइंट्स के बराबर है ज्यादा तो नहीं है बट बराबर है तो फिर ये वाला पॉइंट बिकम्स अ कोर पॉइंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसी भी डेटा पॉइंट के एपसाइलेंट नेबरहुड में जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट हैं अगर वो मिन पॉइंट्स के बराबर या उससे ज्यादा होंगे तो आप उसको कोर पॉइंट बुलाओगे आई होप आपको समझ में आ गया नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा डीबी स्कैन में और उसको हम बुलाते हैं बॉर्डर पॉइंट सो बॉर्डर पॉइंट एक ऐसा डेटा पॉइंट होता है जिसके एबसाइल नेबरहुड में मिन पॉइंट से कम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं बट उसके एबसाइलन नेबरहुड में एटलीस्ट एक कोर पॉइंट होता है सुनना ध्यान से बहुत ही सिंपल है दो कंडीशन है बॉर्डर पॉइंट एक ऐसा डेटा पॉइंट होता है जिसके एपसाइलेंट नेबरहुड में मिन पॉइंट से कम डेटा पॉइंट्स होते हैं बट एटलीस्ट एक कोर पॉइंट जरूर होता है जैसे कि अगर आप इसके ऊपर फोकस करो आप इसके लिए भी एपसाइलेंट रेडियस का एक सर्कल बनाओ जिसको हम एपसाइलेंट नेबरहुड बुलाएंगे और अब आप काउंट करो वहां पर कितने डेटा पॉइंट है एक दो तीन विच इज लेस कोर पॉइंट तो नहीं है बट इसके इस पूरे नेबरहुड में ये वाला पॉइंट पॉइंट है है, जो खुद कोर तो दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए और ये वाला डेटा पॉइंट आपका बन गया बॉर्डर पॉइंट तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं एक ऐसा पॉइंट जिसके एपसाइल नेबरहुड में से कम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट हो बट एटलीस्ट एक कोर पॉइंट हो उसको हम बॉर्डर पॉइंट बुलाते हैं सिंपल नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉइज़ पॉइंट जो कि थर्ड टाइप ऑफ पॉइंट होता है तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है अगर कोई डेटा पॉइंट ना कोर पॉइंट है और ना ही बॉर्डर पॉइंट है तो आप उसको नॉइज पॉइंट बुलाओगे जैसे कि ये वाला डेटा पॉइंट आपने इसके लिए भी एपसाइलेंट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जिसको हम एपसाइल नेबरहुड बुलाएंगे और हमने काउंट किया कि यहाँ पर कितने डेटा पॉइंट है एक दो विच इज तो तो नहीं हो सकता अब ना ये कोर पॉइंट है और ना कोई और कोर पॉइंट है इसके एपसाइलेंट नेबरहुड में तो ये बॉर्डर पॉइंट भी नहीं होगा तो ना कोर पॉइंट है ना बॉर्डर पॉइंट है तो बचा क्या नॉइज पॉइंट एंड द कॉन्सेप्ट अगर आप एक रियल डेटा सेट के कॉन्टेक्स में बात करो मान लो आपके पास कुछ ऐसा डेटा सेट है तो इस डेटा सेट में आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कोर पॉइंट्स को बॉर्डर पॉइंट्स को एंड नॉइस पॉइंट्स को सो so, ये जो आपको मेन एरिया में ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आपके कोर पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपके डेटा का पैटर्न बनाते हैं इनके पेरी पे बॉर्डर पे जो ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं ये हुए हमारे बॉर्डर पॉइंट्स और दूर दराज इलाकों में जो आउटलायर्स हैं ये हुए हमारे नॉइज पॉइंट्स तो कल को जब आप एक क्लस्टरिंग करोगे किसी भी डेटा सेट के ऊपर तो आपको इस तरीके से कैटेगराइजेशन दिखाई देगा कोर पॉइंट्स बॉर्डर पॉइंट्स और नॉइज पॉइंट्स के बीच में अब बस एक फाइनल कॉन्सेप्ट हमें और सीखना है बिफोर लर्निंग बीबी स्कैन एंड दैट कॉन्सेप्ट इज डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स अब डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स क्या होता है मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में बताता हूँ दो पॉइंट्स ए और बी अगर डेंसिटी कनेक्टेड हैं तो इसका बहुत सिंपल मतलब यह हुआ कि आप इन दोनों को उठा करके एक क्लस्टर में डाल सकते हो दैट्स सेट फिर से सुनो दो पॉइंट्स ए और बी अगर डेंसिटी कनेक्टेड हैं तो इसका सिंपल मतलब यह है कि आप उन दोनों को एक क्लस्टर में डाल सकते हो दैट्स द मीनिंग ऑफ डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स बट ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों पॉइंट डेंसिटी कनेक्टेड है तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है मान लो आपके पास दो पॉइंट है ए और बी अब अगर ये एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वाया अ लॉट ऑफ कोर पॉइंट्स एंड ऑल ऑफ दीज एडजेसेंट पेयर ऑफ कोर पॉइंट्स आर एट अस्टेंस ऑफ लेस देन इक्वल टू एप्साइलन देन ए और बी डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट बन गए आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट समझना अगर ए और बी एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ कोर पॉइंट्स और इन सारे कोर पॉइंट्स की भी खासियत यह है कि आप इनमें से कोई भी दो एडजेटेंट पेयर्स को उठा लो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एपसाइलन होगा अगर यह क्राइटेरिया थ्रू आउट मैच करता है तो हम ए और बी को डेंसिटी कनेक्टेड बुलाएंगे ये क्राइटेरिया फेल कब करेगा दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि इसमें से बीच में कोई भी एक पॉइंट कोर पॉइंट ना हो बॉर्डर पॉइंट हो जाए या नॉइज पॉइंट हो जाए तो ये वाला पाथ ब्रेक हो जाएगा और फिर ए और बी डेंसिटी कनेक्टेड नहीं होंगे सेकेंड एक केस और हो सकता है कि आपके हैं तो ये दोनों कोर पॉइंट्स बट इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये एपसाइलेंट से ज्यादा हो गया तो भी फिर ये पाथ ब्रेक कर जाएगा और ए और बी डेंसिटी कनेक्टेड नहीं रहेंगे आपको इनको अलग अलग क्लस्टर्स में डालना पड़ेगा एंड दैट्स द ऑफ डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स तो मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं दो पॉइंट्स ए और बी अगर डेंसिटी कनेक्टेड हैं तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आप उन दोनों को एक क्लस्टर में डाल सकते हो पता कैसे चलता है कि दो पॉइंट्स डेंसिटी कनेक्टेड है बहुत सिंपल है अगर वो दोनों पॉइंट्स एक सीक्वेंस ऑफ कोर पॉइंट से कनेक्टेड हो और उस सीक्वेंस तो में से एक भी क्राइटेरिया अगर फेल करता है तो वो दोनों पॉइंट डेंसिटी कनेक्टेड नहीं है तो अब हमने वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए जो हमें रिक्वायर्ड थे डीबी स्कैन समझने के लिए हमें मिन पॉइंट्स पता है हमें एप्साइलन पता है हमें तीन टाइप के पॉइंट्स पता है बॉर्डर पॉइंट नॉइज पॉइंट कोर पॉइंट और हमें डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स का भी कॉन्सेप्ट पता है सो नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द डीबी स्कैन एलगोरिदम सो गाइज अब मैं आपको डी बी स्कैन वाला पूरा एलगोरिदम बहुत अच्छे से समझाता हूँ इन टोटल चार स्टेप्स में ये पूरा एलगोरिदम एग्जीक्यूट होता है तो मैं आपको पहले ये चारों स्टेप्स बताऊंगा और फिर यहाँ पर मैंने एक डेटा सेट क्रिएट कर रखा है छोटा सा टॉय डेटा सेट मैं इसके ऊपर वो सारे के सारे स्टेप्स आपको रन करके भी दिखाऊंगा सो so दैट आपको एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ठीक है लेट्स स्टार्ट सबसे पहले बात करते हैं का करते हो, और आप एक एप्साइलन का वैल्यू डिसाइड करते हो बिकॉज ये दोनों हाइपर पैरामीटर्स हैं इनके बिना हमारा एलगोरिदम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा एप्साइलन कुछ इतना बड़ा है लाइक वॉट एवर दिस इज ठीक है एंड मिन पॉइंट मान लेते हैं थ्री ठीक है अजम्पन बेस्ड है अब हम मूव करते हैं स्टेप वन पे हमारे पास मिन पॉइंट का वैल्यू है हमारे पास एप का वैल्यू है स्टेप वन में आपको क्या करना है आपको सारे के सारे पॉइंट जो आपके पास हैं उनको आइडेंटिफाई करना है एज इधर कोर पॉइंट और बॉर्डर पॉइंट और नॉइज पॉइंट सबसे पहले आपको यह करना है तो हम लोग एग्जैक्टली exactly तो नहीं कर सकते बट इस डेटा सेट में आप वीडियो पॉज करके कोशिश करो करने का आपको हर पॉइंट को लेबल करना है एज कोर पॉइंट और बॉर्डर पॉइंट और नॉइज पॉइंट तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आई गेस आप समझ पा रहे हो कि सिंस ये बाकियों के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो दिस सीम्स लाइक अ कोर पॉइंट सेम फॉर दिस वन सेम फॉर दिस वन सेम फॉर दिस वन एंड सेम फॉर दिस वन ये सारे के सारे कोर पॉइंट्स दिख रहे हैं अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये भी कोर पॉइंट दिख रहा है ये भी कोर पॉइंट दिख रहा है ये भी कोर पॉइंट दिख रहा है ठीक है अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की तो दिस पॉइंट सीम्स लाइक अ बॉर्डर पॉइंट सेम फॉर दिस वन एंड सेम फॉर दिस वन और अगर मैं बात करूं इन दोनों पॉइंट्स की ये और ये तो बहुत क्लियर है कि ये दोनों नॉइज पॉइंट्स हैं तो इस तरीके से हमने अपना स्टेप वन कैलकुलेट कर लिया ऑब्वियसली एलगोरिदम को ये पूरी चीज करने के लिए काफी कैलकुलेशन करने पड़ेंगे बट हमने इंड्यूशन के बेसिस पे किया और अब हमारे पास हमारा हर पॉइंट लेबल्ड है एज ईदर कोर पॉइंट और बॉर्डर पॉइंट और नॉइज पॉइंट अब हम लोग मूव करते हैं स्टेप नंबर टू पे स्टेप नंबर टू में देर आर मल्टीपल स्टेप्स ठीक है तो कैसे करना है देखो हमें क्या करना है हमें सबसे पहले अभी तक जितने भी अनक्लस्टर्ड कोर पॉइंट्स हैं उनको पकड़ना है ठीक है फिलहाल अभी कोई भी क्लस्टर्ड नहीं है सारे के सारे अनक्लस्टर्ड है तो थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हमें अनक्लस्टर्ड कोर पॉइंट्स पे जाना है तो लेट से हम वन पे गए और हमें क्या करना है वी हैव टू क्रिएट अ न्यू क्लस्टर तो हम वन के इर्द गिर्द एक क्लस्टर क्रिएट कर देंगे ठीक है अब देखो आगे क्या है ये सबसे मेन स्टेप है नाउ वी हैव टू ऐड ऑल द पॉइंट्स आर अनक्लस्टर्ड जो किसी क्लस्टर के पार्ट नहीं है एंड डेंसिटी कनेक्टेड टू द करेंट पॉइंट इन टू दिस क्लस्टर सो वन इज द करेंट पॉइंट हम अगले अनक्लस्टर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं टू और हम बस ये सवाल पूछ रहे हैं क्या ये दोनों डेंसिटी कनेक्टेड हैं सिंस ये दोनों कोर पॉइंट्स हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एपसाइलेंस से कम है तो एक्चुअली ये दोनों डेंसिटी कनेक्टेड हैं तो मैं क्या करूंगा टू को भी उठा करके इस क्लस्टर में ऐड कर दूंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे थ्री की तरफ और हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वन और थ्री डेंसिटी कनेक्टेड है द आंसर इज यस क्योंकि बीच में टू आता है टू भी कोर पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है ये भी लेस देन एप्स है तो हम इस क्लस्टर को आगे बढ़ा देंगे फिर हम सवाल पूछेंगे क्या वन और फोर डेंसिटी कनेक्टेड है वन और टू है टू और थ्री है थ्री और फोर भी है क्योंकि थ्री और फोर दोनों कोर पॉइंट्स हैं और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो एप्साइलन से कम है तो हम इसको भी इस क्लस्टर का पार्ट बना देंगे फिर हम पूछेंगे क्या वन और फाइव डेंसिटी कनेक्टेड है सेम फाइव और फोर के बीच का जो डिस्टेंस है लेस देन एप्साइलन है तो हम इस क्लस्टर को एक्सटेंड कर देंगे फिर हम पूछेंगे क्या वन और सिक्स डेंसिटी कनेक्टेड है यहां पर है सिक्स तो फाइव और सिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन एप्साइलन तो ये वाला कनेक्शन फॉर्म नहीं होगा और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये लूप यहां पर रुक जाएगा और इतना जो है ये एक क्लस्टर में आ जाएगा ठीक है अब हम दोबारा से लूप चलाएंगे दोबारा से लूप में क्या बोला जा रहा है फॉर ऑल द अनक्लस्टर्ड कोर पॉइंट कौन से अनक्लस्टर्ड है सिक्स सेवन और एट तो हम सिक्स को पकड़ेंगे and we will create a new cluster in fact let me use a different color so ye ho gaya six ka cluster ab hum fir se kya karenge add all the points that are unclustered and density connected hum seven ki taraf jayenge guess what six aur seven dono core points hai aur less than epsilon ki distance pe hai तो आप इन दोनों को same cluster में डाल दोगे. फिर मैं पूछूंगा क्या six और eight density connected है? the answer is again yes eight aur seven दोनों कोर पॉइंट हैं और इनके बीच का डिस्टेंस इज लेस देन एपसाइलन तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे अब इसके बाद कोई अनकलस्टर्ड कोर पॉइंट बचा नहीं तो लूप खत्म हो जाएगा और ये बन गया मेरा क्लस्टर अब आते हैं हम लोग स्टेप थ्री में सिंस हमारे कोर पॉइंट सारे एग्जॉस्ट हो गए अब हम बात करेंगे बॉर्डर पॉइंट की तो यहां पे लिखा है फॉर ईच बॉर्डर पॉइंट असाइन इट टू द क्लस्टर ऑफ नियरेस्ट कोर पॉइंट इसका मतलब यह हुआ कि मान लो ये है हमारा पहला बॉर्डर पॉइंट यह हमारा दूसरा बॉर्डर पॉइंट यह हमारा तीसरा बॉर्डर पॉइंट हम हर बॉर्डर पॉइंट का नियरेस्ट कोर पॉइंट को निकालेंगे और वो कोर पॉइंट जिस क्लस्टर में होगा हम अपने बॉर्डर पॉइंट को भी उसी क्लस्टर में डाल देंगे सो बेसिकली दिस विल हैपन ठीक है सिमिलरली फॉर टू यू कैन सी टू इज ऑल्सो क्लोज बाय थ्री टू विल डू दिस ठीक है थ्री इट इज क्लोज बायो ग्रीन क्लस्टर में डाल देंगे और इस तरीके से हमें क्या करना है We have to leave it as it is. हमें छोड़ देना है जैसा है वैसा रहने देंगे एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ आर क्लस्टरिंग हमारे पास दो क्लस्टर्स बने दिस इज वन दिस इज टू एंड देर आर टू नॉइज पॉइंट ठीक है, ये ये जो पूरा हुआ, ये किस के बेसिस पे हुआ? के बेसिस पे हुआ। किस चीज़ के के पे पे एसकेल में डीबी स्कैन को कैसे आप यूज कर सकते हो इंप्लीमेंट कर सकते हो बहुत ही सिंपल है uh, ऐसे भी एसकेल सब चीजों को आसान बना देता है तो मैंने ये जो एग्जांपल उठाया, है ये डायरेक्टली एसकेल की वेबसाइट से उठाया Uh, यहाँ पर हमने कुछ डेटा पॉइंट्स ले लिए हैं uh, ज्यादा नहीं है कुछ छः डेटा पॉइंट्स हैं और uh, मैं उसको प्लॉट करके आपको दिखा देता हूँ सो so, ये रहे वो तीन पॉइंट्स ये रहे दो और ये रहा एक तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है रफली ये एक क्लस्टर बनेगा ये एक क्लस्टर बनेगा और ये एक नॉइज पॉइंट है ठीक है तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है डी बी स्कैन का ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें बस आपको दो हाइपर पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं फर्स्ट इज एपसाइलन जो हमने डिस्कस किया सेकेंड इज मिन सैम्पल्स जो आपका मिन पॉइंट्स होता है तो मैंने यहाँ पे रखा है थ्री और टू डी बी रॉट फिट को कॉल किया और यहाँ पे अपने एक्स को पास कर दिया द गुड पार्ट अबाउट डी बी स्कैन कि जैसे आप ट्रेन करते हो अपने मॉडल को उसके बाद लेबल्स पैरामीटर में आपका लेबल्स एक्ट्रीब्यूट में आपका सारा का सारा क्लस्टर का रिजल्ट आ जाता है सो यू कैन सी जब आप इसको रन कर रहे हो जस्ट वन सेकेंड आपने जैसे ही इसको रन किया टिंग दिस सो देर आर सिक्स पॉइंट्स इसने क्या किया पहले तीन पॉइंट्स को एक क्लस्टर में डाल दिया इन दो पॉइंट्स को दूसरे क्लस्टर में डाल दिया एंड डी बी स्कैन क्या करता है जब भी कोई नॉइज पॉइंट होता है उसको माइनस वन असाइन करता है आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने जान बुझके छोटा एग्जाम्पल लिया बिकॉज समझना आसान हो जाता है लेट मी आस्क यू क्विक क्वेश्चन वॉट इफ मैं यहाँ पर मिन सैम्पल्स में दो के बदले तीन कर दू वॉट डू थिंक विल हैपन

कोर uh, पॉइंट तो है ही नहीं ठीक है सिमिलरली वॉट इफ आई डू दिस कि मैं थ्री के बदले टेन कर दूं एपाइलन को बढ़ा दू एपाइलन को बढ़ाने का मतलब है आप उस सर्कल का रेडियस बढ़ा रहे हो नेबरहुड को बढ़ा कर रहे हो तो क्या होगा आई गेस अगेन आप समझ पा रहे होंगे, ये पांचों पॉइंट्स को हमने एक ही क्लस्टर में ऐड कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली एक ही पॉइंट का क्लस्टर एप्साइल नेबरहुड इतना बड़ा हो गया

के मीन्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है इस तरह के डेटा को क्लस्टर कर पाना राइट पक्का गलती करता बट डीबी स्कैन की खासियत क्या है कि उसको फर्क नहीं पड़ता है और वो क्लस्टर कर पाता है तो आई जस्ट गिव यू दिस कोड इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट वहां पर आप जाओ एक्सप्लोर करो पैरामीटर चेंज करो दूसरा डेटा सेट अप्लाई करो एंड यू वुड लर्न अलॉट तो गाइज हमने डीबी स्कैन एल्गोरिदम समझ लिया थोड़ा कोड चला के भी देख लिया

तो उसकी वजह से कई बार आप इसको एनॉमली डिटेक्शन टाइप के सीनारियोज में यूज भी करते हो तो वेरी गुड फीचर के मीन इसमें अच्छा नहीं था एक और बहुत अच्छी बात और एक हेडेक जो कम हुआ वो ये है कि हमें नहीं बताना पड़ता कि क्लस्टर्स कितने होने चाहिए ये एल्गोरिदम खुद से फिगर आउट कर लेता है अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वहां पर दो क्लस्टर्स बनने चाहिए थे और डीबी स्कैन ने खुद से फिगर आउट किया कि वो दो क्लस्टर्स बनेंगे के मीन्स की तरह हमें उसको बताना नहीं पड़ा थर्ड इज कि इट कैन फाइंड आर्बिट्ररी शेप्ड क्लस्टर्स आप इसको कैसा भी टाइप का डेटा दे दो ऐसा टाइप टाइप का का दे दे दो दे दो ऐसा ये उसमें क्लस्टरिंग कर पाता है शेप डज नॉट मैटर बिकॉज इसका जो मेन है वो डेंसिटी के ऊपर है तो दैट इज वाई शेप्स डज नॉट मैटर एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अनलाइक सम अदर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जहाँ पे आपको बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स याद रखने पड़ते हैं यहाँ पे यू हैव टू लर्न जस्ट two हाइपर पैरामीटर्स एंड are आर मिन and एंड एपसाइलिन तो ये मुझे कुछ सबसे सही एडवांटेजेस लगे इस एल्गोरिदम के बट ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही बेस्ट क्लस्टरिंग एलगोरिदम है इसके भी कुछ फ्लॉज हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा जो वीकनेस है वो ये है कि ये अपने हाइपर पैरामीटर्स के ऊपर बहुत सेंसिटिव है अगर आप मिन पॉइंट या एपसाइलिन की वैल्यू थोड़ी भी बदलोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका क्लस्टरिंग कुछ बहुत अलग होने लग जाता है बहुत डिफरेंट क्लस्टरिंग बनती है तो दिस इज वन बिग प्रॉब्लम कि आपको ना यू हैव टू बी सुपर केयरफुल पुटिंग अ वैल्यू फॉर मेन ठीक है सेकेंड प्रॉब्लम इज कि अगर आप इसको इस तरह का डेटा दे दो जहां पर आपके पास दो क्लस्टर्स हैं एक ऐसा और एक ऐसा बट इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पार्स है मतलब थोड़ा खुला खुला है यहाँ पे थोड़ा डेंस है टाइटली पैक्ड है तो इस तरह के क्लस्टर्स में डीबी स्कैन उतना अच्छा काम नहीं करता है वाई बिकॉज आपने क्या किया है आपने एप्साइलन का एक सिंगल वैल्यू बनाया है जो आप इसके ऊपर भी लगाओगे और आप इसके ऊपर भी लगाओगे अब खुद सोचो एप्साइलन का एक सिंगल वैल्यू इन दोनों अलग अलग डेंसिटी वाले क्लस्टर्स के ऊपर कैसे सूट करेगा तो दैट इज द प्रॉब्लम तो इस तरह का अगर सिनेरियो है जहां पे आपके पास जो क्लस्टर्स हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग है वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है एंड द लास्ट ड्रॉबैक इज कि ये एल्गोरिदम प्रिडिक्शन नहीं कर सकता यहाँ पर इनफैक्ट प्रिडिक्ट फंक्शन होता ही नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के ऊपर रन करके क्लस्टरिंग करता है सिर्फ क्लस्टरिंग का काम आता है ये आप प्रिडिक्शन का काम नहीं आता मतलब कल को अगर एक नया पॉइंट आए तो ये नहीं बता सकता कि ये नया पॉइंट यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा और ऐसा क्यों होता है आई गेस आप समझ पा रहे हो आपको ये समझने के लिए कि ये नया पॉइंट कहाँ पे जाएगा आपको सारे के सारे कैलकुलेशंस दोबारा से करने पड़ेंगे दोबारा से क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और दैट इज वाई प्रोडिक्शन का केस यहाँ पर है ही नहीं अब वीडियो खत्म करने के पहले मैं आपको एक बहुत के कैस रिसोर्स दिखाना चाहता हूँ ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप विजुअलाइजेशन के थ्रू देख सकते हो कि डीबी स्कैन काम कैसे करता है बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा सेट यहाँ पे दिए हुए हैं तो मैं लेट्स ये वाला लेता हूँ स्माइली फेस और यहाँ पर आपने एक एप्साइलिन का वैल्यू सेट कर रखा है मिन पॉइंट्स का एक वैल्यू सेट कर रखा है जो आप बढ़ा घटा सकते हो इन स्लाइडर्स को यूज करके एंड वंस यू क्लिक ऑन गो ये आपको एक्चुअली डीबी स्कैन परफॉर्म करके दिखाएगा यू वुड एक्चुअली बी एबल टू सी कि कैसे डी स्कैन का एल्गोरिदम काम करता है कैसे ये सर्कल्स आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को क्लस्टर में एड करते हैं और कैसे रुक जाते हैं और कैसे नया क्लस्टर बनता है ये सारी चीज़ आप विजुलाइज कर सकते हो एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप एप्साइल और मिन पॉइंट की वैल्यू को चेंज कर करके ये देख सकते हो कि उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस एल्गोरिदम की वर्किंग पे तो मैंने जब डी स्कैन समझा था इस वेबसाइट को मैंने काफी यूज किया था इनफैक्ट जो भी डेटा सेट्स इन्होंने दिए थे अराउंड नाइन टेन डेटा सेट्स इन्होंने दिए हैं मैंने सारे के सारे टेस्ट किए अपने ऑब्जर्वेशंस को कॉपी पे लिखा And trust me it helped me a lot to understand how db scan works so this is like a cool resource i don't इन्होंने you know, कैसे बनाया है hai javascript यूज करके या कैसे भी but this is really really awesome. So this was the video, guys. I hope आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो please like करना कमेंट में likh ke बताना कैसा लगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय